खरगोन शहर की अनाज मंडी में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने गुरुवार को प्रभावी प्रदर्शन किया। आयोजित सभा में अनेक वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आम सभा के बाद रैली निकाली और रैली कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं, नियमों को लेकर ज्ञापन सौंपा। करीब 33 सूत्रीय मांगों में स्वामीनाथन रिपोर्ट अनुसार C2+50 के आधार पर लागत का लाभकारी मूल्य, किसानों का कर्ज माफ, सम्मान निधि बढ़ाकर 10,000 हो सहित कई मांगे रखी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मुखिया हो, चौकीदार हो, आप डायरेक्ट बात खुला करो ना कि ये बिल आपके लायक है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती वास्तव में घातक, हमारी खेती ठेके पे क्यों? हम खेती को ठेके पे नहीं देते। और अगर ठेके पे देना है, आपको लगता है हम कमजोर है, आपके पास इतने गोडाउन नहीं है जितने हम गेहूं पैदा करके लाए हैं। हमने इतना पैदा करके दिया कि आपके रखने के कई पर कई व्यवस्था नहीं है, क्या हमारा दोष है? इस देश का किसान दुखी है, पीड़ित है। अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उससे कोई काम ले सकता है क्या? हमारे देश का किसान जो रात दिन महंगाई के कीटनाशक, महंगा उर्वरक, महंगी पूरी व्यवस्था, बीज सारा लेकर आता है और जैसे ही किसान के पास आता है तो भाव धड़ाम से गिर जाता है और व्यापारियों के पास जाता है तो धड़ाम से उड़ जाता है। अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने व्यापारियों के पास जैसे ही रूम गया। आज हमारा 22 सितम्बर का तय कार्यक्रम ज्ञापन है। प्रधानमंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार और यहाँ के जिलाधीश महोदय की स्थानीय समस्याओं को लेकर हमारा ज्ञापन है। भारत सरकार से हमारी मुख्य मांग ये है कि भारत सरकार किसानों को 2014 की घोषणा के अनुसार लागत का लाभकारी मूल्य दे या 2016 की घोषणा अनुसार आय का दुगनी दे या 2017 के लागत का 1.5 गुना दे, वो क्या देना चाहते हैं वो तय कर ले। दूसरा ये है कि जिन किसानों के ऊपर झूठे कानून बनाए गए दिल्ली आंदोलन के दौरान, उनको निरस्त करके जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा देने का काम करें। अभी वर्तमान में स्थितियां ऐसी बन रही है कि WTO जो एक बहुत बड़ा संगठन बना है, उसने भारत सरकार पर दो केस हार के WTO का विरोध 1993 में आया था। ये सरकार स्वयं भी कर चुकी है मगर उससे बाहर नहीं आना चाहती, संसद से बिल पारित करके इस WTO का विरोध करना चाहती। दूसरी मांग है हमारी मुख्यमंत्री महोदय से, वो जय किसान ऋण माफी योजना के बाद कुर्सी बदल गई, हम कुर्सी को पहचानते हैं, नाम कमलनाथ हो या शिवराज जी हो, जो भी हो, पर शिवराज जी से जिन किसानों के छूटे किसान रह गए उनके ऋण माफी माफ किया जाए। खरगोन तहसील, सारी तहसीलों में पूरी तरह से ऋण माफी किसान योजना से वंचित रह गई, अभी भी सोसाइटियों में प्रमाण पत्र पड़े हैं, उनको ऋण माफी किया जाए और मुआवजे की 75% स्वीकृत राशि बकाया है जो हमारा अधिकार है, वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट नहीं दे रही है, वो हमारा अधिकार है, वो देना चाहिए। अगर इसके बाद की समस्या का निराकरण नहीं होता तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अभी हमारी ग्रामीण लेवल पर बैठक है, प्रांत का हमारा अधिवेशन है और अधिवेशन के बाद में राष्ट्रीय अधिवेशन भी है, हमारा ट्रेड यूनियन है, इसके बाद में तय करेंगे हम। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी, रविदत्त सिंह जी जो तय करेंगे, जो निर्देश देंगे उस अनुपात में हमको काम करना है। क्या नाम है? गोपाल पाटीदार, मध्य भारत प्रांत संगठन मंत्री। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।